वरुण अमरोहा से लाइव है। वरुण जरा बताइए, अमरोहा में क्या हो रहा है, कैसी वोटिंग हो रही है, किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? वरुण देखिए, तपती धूप में हौसला पस्त होने का नाम नहीं ले रहा। वोटर्स की लाइन आप देखिए जरा, एक तरफ पुरुषों की लाइन है, एक तरफ महिलाओं की लाइन है। और अमरोहा की अगर बात करें, करीब 42% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं, अल्पसंख्यकों की संख्या है, और शायद यही वजह है कि हर क्षेत्र में आपको अपने मुद्दों के साथ लोग बात करते नजर आएंगे। बहुत देर से वेट कर रहे थे आप मेरा, क्या क्या मुद्दे इस बार ऐसे रहे जिसके हिसाब से आपने अपने मत का प्रयोग किया, दिमाग में कौन कौन से मुद्दे थे? हमारे अमरोहा में पानी की जल भराव की समस्या थी और अनेक समस्याएं हैं, उसी समस्याओं के लिए हमने अपना अधिकार का प्रयोग किया है और एक ऐसे ईमानदार को वोट दिया है जो कि हमारी समस्याओं का निस्तारण कर सके। आपके मुद्दे क्या क्या दिमाग में रहे? भाई बस सबसे मेन तो है गरीब आदमी का रोजगार, ये सबसे मेन चीज। अब रोजगार यहाँ है नहीं, समझे, रोजगार है नहीं, समझे, गरीब आदमी तो भूखा मरता ही है। अब ये 5 किलो राशन में क्या करता आदमी, एक महीना खागा क्या कर देगा एक महीने में 5 किलो राशन में? बस ये और में आपकी तो चीजें हैं, रोजगार हो तो सब चीजें हो जाएंगी। अच्छा, एक सवाल है, लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक तरफ दानिश अली, मुजाहिद हुसैन, परिस्थितियां कहीं ना कहीं असमंजस की पैदा कर रही हैं, किसको वोट दें, वोट कहीं कट ना जाए, कंवर सिंह तंवर, तो ये परिस्थितियां कहीं दिमाग में डाल रही है संशय आपके? नहीं, ये परिस्थितियां कुछ दिमाग में डाल रही है। और हमने जो है कि ईमानदार और कर्मठ मतलब उम्मीदवार उसको वोट दिया है। अच्छा, और जल भराव की मेन समस्या है, जल भराव की समस्या है। रोजगार कितना है, ढोलक बनाने की यहाँ पर कहा जाता था वाग्यंत्र की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज थी यहाँ पर, खुद जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और ढोलक बजाते नजर आए, तो वो फैक्ट्रीज खत्म हो गई, यहाँ पर रोजगार कितना बचा? रुपए में चवन्नी भर देगा, रुपए में चवन्नी भर देगा, वो सबसे ढोलक वाली रुपए में चवन्नी भर देगा, बीड़ी बनती थी वो भी चवन्नी भर देगा। माना जी, कुछ महिलाओं से मैं बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। अच्छा, इस बार मुद्दे कौन कौन से आपके दिमाग में, आप वोट डालने यहाँ पर आएंगे, कौन कौन से मुद्दे दिमाग में? रोजगार का मुद्दा या क्या? रोजगार का मुद्दा, ऑफकोर्स, रोजगार बड़ा मुद्दा रहा है। और क्या क्या चीजें ऐसी रही जो दिमाग में रही? रोजगार, पैसा, महंगाई, एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन अमरोहा में कितनी है? अच्छी है, ठीक है, हमने अमरोहा से पढ़ाया तो अच्छी है अमरोहा से तो। अच्छा, आपको लगता है और ज्यादा बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, दिमाग में संशय रहता है चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे नेता अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, इस बार कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको इफेक्ट कर पाई, क्या इंडस्ट्री यहाँ पर आई अमरोहा के अंदर पिछले कुछ सालों में, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। मुद्दे क्या हैं आपके? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, बस महंगाई और ये रोजगार का ही है, बस महंगाई रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। चलिए, तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए जरा मानक जी, एक तरफ महिलाओं की लंबी लाइन है, दूसरी तरफ पुरुषों की यहाँ पर लाइन है, मुद्दे कौन कौन से इस बार का? मैं ऐसा मैं बात ही ना करना चाहता हूँ। अच्छा, इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो दिमाग में हैं, आप वोट डालने आए हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में चल रही है, इस तरफ देखकर जरा इनसे बात करो, बोलना चाहेंगे कुछ, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? तो वोटर है कहीं कोई बोलना चाहता है?